2.0 का कट ऑफ 6 to 8 वाला का हम देखने वाले हैं। 1 लाख स्टूडेंटों का सर्वे हम करने वाले हैं अभी सोशल साइंस 6 to 8 साथ ही साथ अभी और सब्जेक्टों का भी करने देखने वाले हैं कि जनरल बीसी ईबीसी फीमेल या ऑल कैटेगरी जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो आपका कितना मार्क्स आ रहा है, कितने स्टूडेंटों ने बताया। तो सिंपली देखिए आप लोगों का इसी तरीका से बीपीएससी टीआरई 1.0 में भी हुआ था, जिस तरीका से आप लोगों से ही क्वेश्चन पूछा गया कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, वोटिंग कीजिए। आप लोगों को करने के बाद ही पता चला कि हाँ कितना कटअप जा सकता है, इसलिए आप सभी कम्युनिटी पोस्ट में जाकर वहां से आप लोग वोटिंग कर सकते हैं। कैसे करना है तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ और साथ ही साथ अभी बताऊँगा कि जितने भी स्टूडेंट अभी वोट्स किए हैं, जैसे कि 1800 स्टूडेंट वोट्स किए हैं, तो उनका मार्क्स कितना रहा। ये जो है सोशल साइंस का है, 6 to 8 का है और ऑल सब्जेक्ट का भी करने वाले हैं, ऑल सब्जेक्ट का भी देखने वाले हैं, ठीक है ना। इसलिए आप सभी इस वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, और इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आने वाला हर एक अपडेट आपको इसी तरीके से मिलती रहती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो आपका बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर वहाँ पर जाओगे तो आपको आंसर की दिया हुआ है, साथ ही साथ क्वेश्चन बुकलेट भी दिया हुआ है, आपको वहाँ से चेक कर लेना है। जैसे देखिए यहाँ पर आगे बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ पर देख सकते हो कि 9 बजे 9 तारीख कल जो है आपको देर शाम रात तक जो है ये अपलोड कर दिया गया था। जिस दिन एग्जाम हो रही है उसी दिन रात तक अपलोड कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन बुकलेट है, मैथ साइंस का है, सोशल साइंस का है, लैंग्वेज का है, हिंदी इंग्लिश का है। तो मैथमेटिक्स साइंस, सोशल साइंस और लैंग्वेज हिंदी का प्रोविजनल आंसर किया आ चुका है, ठीक है ना। इससे आपको क्या करना है, मिलाना है कि आपने कितने सही किया, ठीक है ना। और मिलाने के बाद में यहाँ पर देखिए प्रोविजनल आंसर की है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 1, 2, 3 नंबर क्वेश्चन चार क्वेश्चन तक जो है ऊपर नीचे अप डाउन हो सकता है फाइनल आंसर के आने तक। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1.0 में भी ऐसा ही हुआ था और बहुत सारे बच्चे जो है कन्फ्यूज में पड़ गए थे। जिनका आ रहा था 60 उनका चल गया केवल 57, जिनका हो रहा था 57-58 उनका चल गया 61। इस तरीका से जो है बीपीएससी टीआरई 1.0 में हुआ था, ठीक है ना। तो उसी प्रकार यहाँ से भी आपको चेक कर लेना है फिलहाल प्रोविजनल आंसर की के द्वारा आपका कितना मार्क्स आ रहा है। उसके बाद में कम्युनिटी पोस्ट में जाना है और जाने के बाद यहाँ पर वोटिंग करना है आपको कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, जैसे कि 55 से 60 के बीच में है या 65 से 70 के बीच में है, अप्रॉक्स आपको बताना है, क्योंकि मैंने इससे जो है एनालिसिस करनी है कि किस तरीके से होगा। अभी फिलहाल 1800 स्टूडेंटों ने कर चुके हैं और आप अभी तक नहीं किए हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल देखिए 1800 स्टूडेंटों का हम एवरेज निकाल के चले तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट 65 से 70 के बीच में देखने को मिल रहा है, 34% स्टूडेंट देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब है कि 70 से नीचे जो है लगभग 60% स्टूडेंट देखने को मिल रहा है और 75 के ऊपर में जो है लगभग आपको कह दे कि 40% स्टूडेंट देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका 75 और 80 के बीच में, 75, 70, 75 के बीच में ही कट ऑफ रहने वाली है। और मैं यहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट में हर चीज़ के बारे में दिखाऊंगा कि जनरल में जनरल का वोटिंग अलग तरीके से होगा, ईबीसी का अलग तरीके से होगा, ठीक है ना, सभी का करूँगा। इसलिए आप लोग इस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा ताकि हमको सटीक एनालिसिस पता चल सके और आप लोग वोटिंग ज़रूर कीजिएगा। इसी मकसद से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अभी 1800 स्टूडेंट का वोटिंग है और इससे बताना अभी ठीक नहीं है। लगभग आप लोग 50,000 से ऊपर वोटिंग आप लोग का आएगा तभी जाकर सटीक एनालिसिस हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये था और ये जो है अभी सोशल साइंस का है, तो सोशल साइंस का जैसे ही सोशल साइंस का है साथ ही साथ वहाँ पर आप जाओगे तो मैथ का मिल जाएगा, साइंस का मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश का मिल जाएगा, 9 to 10 वाले के भी मिल जाएगा और 1 to 5 का अभी तो एग्ज़ाम हुई नहीं है तो उसका भी मिल जाएगा। सभी चीज़ का आपको यहाँ से मिलते रहेगी और इस तरीके से सटीक एनालिसिस का पता चल जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, चलाओ तो लाइक कीजिए, किसी भी अगर डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला हर एक अपडेट आपको इसी तरीके से मिलती रहती है। चलिए इस वीडियो में तहीं रखते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।